Ah, no. Suiza. Ma'am, you? Both of you? Both of you look at. One more? Huh? Ah, wait. Sorry, sir. Solo, solo. Yeah, sure. One more, कॉन्ग्रेचुलेशन. एक डिफरेंट दुनिया है ये. तो आप बताइए कि आप लोगों ने तो ये शो भी किया, तो आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस. क्योंकि मुझे याद है कि ऐसा टाइम तब था जब हमारी हिंदी फिल्मों में आवाज़ नहीं थी, सिर्फ विजुअल्स पर ही फिल्में बनती थी एंड लोग देखते थे, इमेजिनेशन करते हैं. लाइक ना हम ऐसा कह सकते कि वो दौर फिर से आ गया. सो ये जो आपका एक्सपीरियंस था, तो ये कैसा रहा, पहले तो ये जानना चाहिए. बहुत मज़ेदार रहा. इससे पहले भी रेडियो पर कहानियाँ, रेडियो फिल्म्स वगैरह बनती रही हैं. बाहर वेस्ट में थोड़ा ज़्यादा बनती रही हैं, यहाँ थोड़ा कम बनती रही हैं. पर यहाँ अब लोग इस माध्यम से जुड़ रहे हैं, इस मीडियम को एंजॉय कर रहे हैं. अभी जैसे कई सारी ऑडियो बुक्स हैं, जो एक बहुत यूनिक चीज़ है कि आपको कोई किताब पढ़ के सुना रहा है. ऐसा लगता है जैसे बचपन में आपकी माँ या दादी आपको कहानियाँ सुनाती थी, ये वैसा लगता है. तो इसलिए ये माध्यम इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर आदमी की इमेजिनेशन अलग होती है, हर आदमी अपनी अनुभवों से चीज़ें विजुलाइज करता है. तो वो यूनिक है हर ऑडियंस के लिए. सेम कहानी का एक्सपीरियंस यूनिक है. तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ऑडिबल सुनो की तरफ से, और हमको मौका मिला फिर से परमानेंट रूममेट्स करने का. हमारे लिए ऐसा है जैसे हम वापस घर जा रहे हैं. बहुत दिन बाद जब आप घर जाते हो तो आपको ऐसा लगता है, फैमिलियर लगती है सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें याद आती है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया था. तो इट वाज वेरी इमोशनल एंड अ लॉट ऑफ फन. आई थिंक ऑडियो एज अ मीडियम, मतलब मुझे अभी भी याद है शोले के कैसेट सुने थे हमने. सुमित वाज टेलिंग अस अग्निपथ का, उन्होंने अमिताभ बच्चन की एक्चुअल ओरिजिनल द हस्की वर्जन उसमें उन्होंने सुना है उसको. तो ऑडियो एज अ मीडियम हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं. एंड नाउ दिस इनिशिएटिव बाय ऑडिबल, जिसमें इतनी इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी क्यूरेटेड, ऑलरेडी क्यूरेटेड लाइब्रेरी है जो उनका लॉन्च हुआ था, उसमें कितने अमेजिंग यूनिक आर्टिस्ट और परफॉर्मर्स थे. और टू बी अ पार्ट ऑफ दैट लाइब्रेरी, आई थिंक एक वो तो एक अच्छा ग्रुप ऑफ, इट्स अ ग्रेट ग्रुप टू बिलोंग टू. But other than that, I personally feel audio as a medium is, it's a very intimate medium. Lot of times you remember people by their voices. You may not remember how the person looked jab unhone koi baat boli thi, but you will always remember how they said it. You know, wo sab cheezein yaad hoti hain. Jaise mujhe abhi bhi yaad hai, meri mama bahut acha gaati hain aur wo ek lori gaati thi, uska wo hamesha wo ek sur, when she used to hit that note, और आई यूज़ टू ऑलवेज चोक अप एट दैट नोट इवन एज अ चाइल्ड, यू नो. तो वो ऑडियो इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम. हम मतलब कि मैं एक्सट्रीम में जा रही हूँ, बट हम जब वॉर फिल्म्स देखते हैं तो ऑडियो इज़ ऑल्सो दैट मीडियम दैट स्टेज. यू मे नॉट बी एबल टू वॉच समथिंग, बट यू कैन हियर ईच अदर्स वॉइसिस. तो टू बी अ पार्ट ऑफ दैट मीडियम एंड टू एक्सपीरियंस इट विद समथिंग जिसने हमें सब कुछ दिया, परमानेंट रूममेट्स इज लाइक, आई थिंक वी ओ एवरीथिंग टू परमानेंट रूममेट्स. सो टू ब्रिंग परमानेंट रूममेट्स टू अ मीडियम व्हिच इज सो पावरफुल. आई रिमेंबर सुमित टेलिंग मी मल्टीपल टाइम्स दैट ही लव्स द मूवी हर, एंड हर इज ऑल अबाउट दैट, यू नो, दैट वन वॉइस बिकम्स द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ and everything. And this is something similar to that. It's a similar experience. It's a similar experience. You're listening to two people talking to each other, fighting with each other, and being loving towards each other, discussing daily problems with each other. It's such an intimate thing. It's like you are there, you are in their universe, but you're just imagining yourself. Yes. So
नहीं, ये स्टूडियो में किया हमने और साथ में किया, दैट वाज ग्रेट. आई थिंक वी बोथ इंसिस्टेड कि हम साथ में करें क्योंकि वो एक अलग एनर्जी है एंड बिकॉज़ वी वर्क्ड फॉर सो लॉन्ग. सो मतलब पूरी स्क्रिप्ट को अगर हम बात करें एक स्टूडियो में बैठकर इसकी ऑडियो कैसा रहा ये आपके लिए डिफरेंट? बहुत अच्छा अनुभव रहा. मैं अभी जैसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि विजुअल में क्या है, और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं. आपको एक खास तरह से दिखना होता है, कैमरा सेटअप, लाइटिंग, फलाना ढिंका, मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम, तो वो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती. इसमें सिर्फ कहानी महत्वपूर्ण है. इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम दोनों कितने बेहतर तरीके से ये कहानी या ये सीन या ये पात्र कर पा रहे हैं. और कुछ मायने नहीं रखता, बड़ा थिएटर जैसा है ये. तो इसलिए मुझे इसमें बहुत मज़ा आया करते हुए, क्योंकि मुझे इस बात की कुछ फिक्र ही नहीं थी कि मैं क्या पहना है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, कहाँ कैमरा है, क्या है. नहीं, मैं सिर्फ ये रोल पढ़ रहा हूँ और ये सीन कर रहा हूँ. और ऐसा नहीं कि इसमें कम परफॉर्मेंस की हमने, क्योंकि विजुअल नहीं है, हम उतनी ही एक्टिंग कर रहे थे. इनफैक्ट कई बार ऐसे हाथ पांव हिलाते थे तो माइक पे लग जाता था. तो वो सारी चीज़ें भी हुई, पर मज़ा आया. ये उस किस्म का शो है, जैसे निधि थोड़ी देर पहले कह रही थी फ्रेंड्स हैं जो शो है, फ्रेंड्स वो जिन्होंने देखा है उनके लिए उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा वो शो देखते हुए बीता है, तो वो बहुत सारी यादें जुड़ी है उस शो से. तो कई बार ऐसा होता है कि आपने देख रखा है फिर भी आप दोबारा देखते हो क्योंकि आपको मजा आता है. इट मेक्स यू हैप्पी, इट जनरेट्स एन इमोशन विच इज द वन दैट यू लव विजिटिंग. इट्स लाइक अ गुड मेमोरी, गुड स्टोरी दैट यू कीप वॉन्टिंग टू रिपीट टू एवरी वन. तो परमानेंट रूममेट्स के साथ लगभग वैसा ही रिश्ता है हमारा भी और ऑडियंस का भी, क्योंकि उन्होंने इस कहानी को, इन पात्रों को इतना पसंद किया है और अब एक नए माध्यम से वो कहानी उन तक पहुंच रही है. तो ये बहुत यूनिक है. आई थिंक वी आर वेरी लकी दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेरी यूनिक एंड वेरी लॉयल ऑडियंस. यू नो दे आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू द शो, लाइक द काइंड ऑफ मैसेजेस जो आते हैं और जैसी चीज़ें शेयर करते हैं फ्रॉम देयर पर्सनल चैलेंजेस एंड हाउ दे ओवरकेम अ चैलेंज बिकॉज उन्होंने शो में देखा. मुझे कई बार मैसेज आए कि कई लोग मुझे एयरपोर्ट पे वगैरह मिले कि मियाँ बीबी नई नई शादी हुई है, बोला पता है हमने आपका शो देखते समय डेट करना शुरू किया था और आपके शो के चलते हमने शादी की है. वो सारे की मैं ये पूरा क्रेडिट नहीं लूंगा. नो, आई गॉट दिस वन वेरी ब्यूटीफुल मैसेज ऑफ अ कपल हु वर अबाउट टू स्प्लिट, यू नो, एंड दे वेंट थ्रू अ मिसकैरेज एंड दे वर अबाउट टू स्प्लिट एंड दैट देन उन्होंने हमारा सेकंड सीजन देखा एंड यू नो एंड दे रीस्टार्टेड एंड इट वाज सच एन इमोशनल मैसेज. आई वाज लाइक वाओ, इट्स अ यूनिक थिंग. तो वो अच्छा, एक बड़ा ही हार्मलेस शो है ये, है ना, कोई किसी को फजूल में परेशान नहीं कर रहा सिर्फ. और अबाउट रिलेशनशिप्स आल्सो, जो वन लाइन है परमानेंट रूममेट्स का वो ये है कि सारे लव स्टोरीज जो हैं वो इम्परफेक्ट है और वो इम्परफेक्शन ही उनको मज़ेदार बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं. वही परफेक्ट है, हर लव स्टोरी का इम्परफेक्शन ही परफेक्ट है. अगर आप उससे वो इम्परफेक्शन निकाल दोगे तो कहानी नहीं होगी, वो तो एक निबंध हो जाएगा. एंड क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि जब आपने अग्निपथ जी की आपने आप लोगों ने ऑडियो सुना, वो ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जिसका अगर ऑडियो की अगर बात करें आप लोग को लगता है कि ये बहुत ही परफेक्ट है यार, कान में जैसे ही इनकी आवाज आती है ऐसे लगता है कि क्या आवाज है, क्या साउंड है, ऐसे कुछ? आई थिंक ये जो जैसे मुझे अमूमन कई सारे लोग बोलते हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी है या किसी की आवाज़ अच्छी है, मैं पर्सनली उसमें उतना ज़्यादा विश्वास नहीं रखता. मुझे नहीं लगता कि एक ख़ास किस्म की आवाज़ ही आपको सुनकर ज़्यादा मज़ा आता है, है ना. ये बेस वॉइस जो है ये बड़ा एक ओवर हाइप चीज़ है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है. कुछ लोग हैं जो पैदा हुए हैं एक ख़ास किस्म के वोकल कॉर्ड के साथ जिनकी आवाज़ में बेस होता है, अब इसमें उनका कोई योगदान नहीं. वो कैसे उस आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं वो मज़ेदार है. तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी आवाज़ में खराश है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी आवाज़ बड़ी पतली है पर फिर भी वो सुनने में इतने मज़ेदार लगते हैं. ये फ़र्क सिर्फ उतना होता है कि आप कितने अच्छे से कहानी कह पाते हो, वो महत्वपूर्ण है.
ये महत्वपूर्ण नहीं कि आपकी आवाज ऐसी है या आप लंबे हो, उसमें आपका क्या योगदान है, वो तो पैदा हुए आपको जेनेटिकली मिला है, आप उससे क्या कर पा रहे हो वो मजेदार है। मेरा मानना है कि सबकी आवाज अच्छी या बुरी जो इमोशन वो कन्वे करती है, हमारी बॉडी हमारी वाइब्रेशंस एक्चुअली पहले उसे रिसीव करती हैं। कितना कोई सुंदर है या कोई कितनी अच्छी बॉडी है, कितने सुंदर बाल हैं, वो सब चीज़ें आप पहले नोटिस करते हो, बट आपने उनके प्रेजेंस में क्या फील किया वो आपको हमेशा याद रहता है, और वो दैट बिकम्स अ यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। एंड कई बार आप 5 मिनट मिलने के बाद भी किसी को ज़िंदगी भर याद रखते हैं, और कई बार घंटों बिता कर भी आप किसी से नहीं मिलना चाहते, आप भूलना चाहते हैं। तो आई थिंक दैट इन जनरल इज़ माई लाइफ ऑब्जर्वेशन, एंड इट ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स इन एवरीथिंग जो हम करते हैं, हम किसी चीज़ को किस तरह अप्रोच करते हैं, इट ऑल रिफ्लेक्ट्स इन दैट। सो आप लोगों से बातें करने से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया और पूरी तरह से ये करने में, एंड आने वाले दिनों में क्या हम और भी ऐसे देखेंगे आप लोग को ऐसे ऑडियो लोगों के सामने प्रेजेंट करते हुए? I would love to. Yeah. मतलब मैं तो मुझे बहुत मजा आया ये करके, और ऑडियो की दुनिया जो है वो अब एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग, वो वास्ट है। मतलब एक आदमी अगर एक अच्छी कहानी पढ़ दे अच्छे से, या अच्छी कविता अच्छे शेर पढ़ दे, वो सुनकर भी आपको इतना मजा आता है। तो ये दुनिया इतनी बड़ी है और ये अभी अनएक्सप्लोर्ड है, धीरे धीरे लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। And I think in that confinement, क्योंकि वो बहुत एक तो there's a certain privacy there, and so you are able to be in tune quicker, you know, क्योंकि बाहर कोई ऐसा stimuli नहीं है, और ओ वहाँ से light को cut करो, और camera और वो movement और track and trolley and ये नहीं है, तो your experience as a performer is so complete. बिकॉज आप जब लाइन बोल रहे हैं तो आप उसको पूरी तरह फील कर रहे हैं, आप उसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप उसको कितने पर्टिकुलर इमोशंस में बोल सकते हैं। सो एज ही सेड कि इट्स एक्चुअली लाइक थिएटर, इट इज एक्चुअली लाइक और गोइंग इन टू अ वर्कशॉप एंड एक्सप्लोरिंग योर कैरेक्टर अगैन एंड अगैन एंड अगैन। सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सरसाइज, इन फैक्ट इसके बाद कुछ हमें करना चाहिए साथ। एंड ऑल्सो द एक्सपीरियंस ऑफ लिसनिंग टू ऑडियो इज आई वुड से वेरी सिमिलर टू लिसनिंग टू म्यूजिक, इट कैन रियली चेंज द वे यू Your day is going. You could be having a terrible day and you listen to a great track. Yeah. And it just completely elevates your mood. It's, you know, it's music. You haven't seen anything. You just heard it and it's touched some emotional chord that has changed everything for you for that day. Similarly, if you've listened to a great story, a great poem or an episode of Permanent Roommates, it could really liven up your day. You know, you don't have to have any theater for it. Correct. एक फिल्म है वी आर योर फ्रेंड्स, वो मतलब इट्स अ न्यू फिल्म जो मैंने बाय चांस देखी, एंड द फिल्म इज़ अबाउट अ स्ट्रगल ऑफ अ डीजे, कि वो ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय बट ही वांट्स टू प्ले इन बिग फेस्टिवल्स, तो उसको एक मेंटोर मिलता है जो एक्स सेलिब्रेटेड ग्रेट डीजे, और अब वो सिर्फ सेलिब्रिटी है तो जाकर बजाता है और अच्छे पैसे मिलते हैं उसको। तो ये बिकॉज ही इज़ अ यंग गाय, ही फील्स दैट यू नो ही वॉज सच अ ग्रेट डीजे, और अब नहीं है वो अब अपने काम को रिपीट करते जा रहा है। तो देन दोनों कैसे मेंटोर एंड मेंटी का रिलेशनशिप है एंड ऑल ऑफ दैट। तो उस फिल्म का यूनिक टेक अवे ये है कि हाउ साउंड इफेक्ट्स पीपल, कि एक डेसिबल पॉइंट होता है उस पर लोग एक्चुअली इट्स अ साइंस कि लोग उस पर डांस करना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी उस पर मूव करना शुरू होती है, फिर आप वहाँ से उसको बढ़ाते जाओ, देन द एक्सपीरियंस बिकम यूनिक फॉर द एंटायर रूम, एंड इट इज सो ब्रिलियंट टू एक्चुअली सी दैट साउंड कैन एक्चुअली इफेक्ट यू लाइक दैट। फेस्टिवल्स में लोग पागलों की तरह साथ में क्यों डांस कर रहे होते हैं, क्योंकि दे आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग विच यू आर नॉट, यू नो द साउंड द वाइब्रेशंस, इट्स जस्ट समथिंग डिफरेंट। तो आई थिंक टू बी एबल टू लिसन टू अस, एंड इट्स सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एबल टू विजिट आर ऑडियंस लाइक दैट इन सच एन इंटीमेट फैशन, वेयर वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, बट द कैरेक्टर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, but they are listening, they are a part of the conversation, so it's very unique. चलिए सो जाते आते क्योंकि ये ऐप तो फ्री भी है, सो अपने चाहने वालों के लिए, जैसा कि आपने बताया कि एयरपोर्ट पर भी लोग आपको मिलकर ऐसे विश करते हैं, तो अपने फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? और ये जो प्लेटफॉर्म है हम देखते हैं, देख रहे हैं कि धीरे-धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे OTT प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, धीरे-धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं,
ऑडिबल सुनो, आप डाउनलोड कीजिए, ये फ्री है, इस पर बहुत सारे मज़ेदार ओरिजिनल शोज हैं जो सिर्फ ऑडियो हैं और आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। और परमानेंट रूममेट्स सीजन 1.5 इज ओनली अवेलेबल ऑन ऑडिबल सुनो। और आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सीज़न 3 कब आएगा, सीज़न 3 कब आएगा, तो ये सीज़न 3 नहीं है, ये सीज़न 1.5 है इन एन ऑडिबल फॉर्मेट विच इज़ एक्सट्रीमली इंटीमेट। सो नाउ यूज़ योर इमेजिनेशन एंड विजुअलाइज अस, बट लिसन टू अस एंड वी कैन प्रॉमिस दिस मच कि यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज जब हम एपिसोड्स पढ़ रहे थे इट वॉज जस्ट सो अमेजिंग टू गो बैक टू दैट एनर्जी, गो बैक इन टू दैट एनवायरमेंट। So you guys will not be disappointed. So listen to us on Audible Suno only. Suno only. Thank you so much. For more updates, like, comment, subscribe to our channel.